ऑल ओवर मेरा पैटर्न जो विद द पेन आपने इस तरह से पूरा पैटर्न जो है बना लेना है, ठीक है। नाउ कम टू द शेडिंग। अब हमने शेडिंग करके जस्ट सेम जैसे हमने वेलवेट के टेक्सचर में फोल्ड्स वगैरह डार्क किए थे, वो ही हम डार्क यूज करेंगे। डार्क ब्लू कलर, आई कैन यूज द ब्लू कलर और द ब्लैक कलर बाय। इसी तरह से सेम आप अपने उस पर भी कर दोगे, स्लीव पे भी पूरा कर दोगे ऑल ओवर, और यूजिंग द डार्कर शेड आपने जो है अपना कोट जो आप बना रहे हो उसको आपने डार्क कर देना है। लाइक दिस, यहाँ पे आपकी पॉकेट थी, आई हैव अ पॉकेट, जस्ट मेक अ पॉकेट। इस तरह से आप फोल्ड्स जो अपने बना दो, ठीक है। कहीं से वाइट भी दिखेगा, थोड़ा वाइट इफेक्ट भी रहेगा, सब में नहीं जाएगा। तो इस तरह से अपने कोट में आपने जो फोल्ड्स, जैसे हमने रेस्ट फोल्ड्स वगैरह हम डार्क करते हैं, वैसे ही आप इसमें भी अपने फोल्ड्स वगैरह जो है वो डार्क कर सकते हो विद द बेस कलर और एडिंग मोर डार्कर कलर विद द ब्लैक, ब्लैक के साथ। जैसे हम इसका जो कॉलर है वो भी हम ब्लैक कर सकते हैं विद द कंट्रास्ट कलर, जैसे कि कॉलर हमने हाईलाइट कर दिया कि ब्लैक से बनाया हमने, ठीक है। और इसी तरह से इसमें हमने पॉकेट वगैरह में डार्क कलर कर दिए, तो इसी तरह से बस आप हाईलाइटिंग करोगे अपने रेस्ट गारमेंट को विद द डार्कर कलर। तो दिस इज योर ट्वीट टेक्सचर। ट्वीट टेक्सचर जो ओपन दिख रहा है उसमें भी आप थोड़ा बेस कलर कर दो। दिस इज योर ट्वीट टेक्सचर।